नमस्कार, वेब दुनिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 5 अगस्त हुई, लोगों ने ली राहत की सांस। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से मांगे सुझाव। राजद का नीतीश कुमार पर हमला, हत्या के आरोपी है नीतीश, सत्ता में रहने का हक नहीं। जदयू नेता शरद यादव ने चुप्पी तोड़ी, कहा बिहार में महागठबंधन टूटने से बहुत नाराज हूं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का आरोप, बाढ़ प्रभावित इलाकों की अनदेखी कर रही है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा स्कूली पाठ्यक्रम में भगवत गीता को अनिवार्य बनाने की कोई योजना नहीं। माकपा सांसद तपन सेन का आरोप, रेलवे के निजीकरण पर तुली है केंद्र सरकार। रिजर्व बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका। घोटाले में फंसे नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री आवास खाली किया, परिवार सहित मुर्री में रहेंगे। पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी पर भी भ्रष्टाचार का आरोप। SBI ने बचत खाते पर 0.5% ब्याज दर घटाई। जर्मनी के कॉन्स्टेंस शहर में नाइट क्लब में गोलीबारी, हमलावर समेत 2 लोगों की मौत। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।